वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन सेंटर आर्ट्स डायसेस ऑफ कराची में हैं, जहां हम नहायत ही काबिले एहतराम बशर्फी निगाह रेवरेंट सिस्टर रुखसाना सलामत एफएसपी जमात से इनका ताल्लुक है, वो हमारे दरमियान मौजूद है कि आज हम उनकी बुलाहट के हवाले से, उनकी खिदमत के हवाले से और इस कम्युनिकेशन सेंटर के हवाले से बातचीत करें। सुशिष्ठ जी, आपको अपने दरमियान वेलकम कहते हैं। थैंक यू जाहिद भाई, और हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें दुख तराने पलूस को ये मौका अता किया कि हम आपके साथ बल्कि सबके साथ जो जो हमारा प्रोग्राम देखेंगे अपने मिशन के बारे में शेयर कर सकें और गुफ्तगू कर सकें। शुक्रिया। सिस्टर जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप अपने बुलाहट और खिदमत के हवाले से कुछ बताएं। जी जाहिद भाई, मेरी जिंदगी में बुलाहट के बहुत खास मायने हैं और मेरी जिंदगी में बुलाहट की इब्तदा तभी हो जाती है जब मैं अपने बचपन का आगाज करती हूँ, जब मुझे थोड़ी सोच समझ आ जाती है। मेरे वालदैन बहुत ही सादा मजाज के वालदैन हैं, बहुत सादा खानदान से मेरा ताल्लुक है और मैं अपने बचपन से ही अपने वालदैन को चर्च में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व देखती आई हूँ। हमारे घर में फादर सिस्टर्स कैटेकिस्ट का बहुत आना जाना रहता है अभी तक, और यहाँ तक कि अगर मास्टर साहबान या फादर साहबान को अपनी गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जगह चाहिए होती थी तो वो हमारे घर में ही करते थे। तो इसी तरह मेरे वालदैन को, खासतौर पे मेरे वालिद साहिब को चर्च में एल्डर साहब कह के भी जाना जाता था, और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मेरा ताल्लुक एक रिलीजियस घराने से है, मजहबी खानदान से है, और उन्हें देखते ही देखते मुझ में ये ख्वाहिश बढ़ती रही कि मैं भी सिस्टर्स फादर्स की तरह बनूं। लेकिन मुझे तालीमी इदारों में जाना या हॉस्पिटलों में अपनी खिदमत अंजाम देना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं चाहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी को किसी ऐसे मिशन के लिए वक्फ करूं जो यूनिक हो और सबसे अलग हो, तो मैंने दुख तराने पलूस की जमायत का इंतखाब किया। तो आप अपनी खिदमत और खिदमत के बारे में भी बताते चले कि कहां कहां आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं और दे रही हैं। जी, हमारी तरबियत की इब्तदा या आगाज जो होता है वो लाहौर से होता है। लाहौर में मैंने 6 साल गुजारे, जहाँ से मैंने इंटर किया और इंटर के बाद बीए किया। बीए करने के बाद मेरा फर्स्ट प्रोफेशन हुआ वहीं से, और उसके बाद मैं कराची में भेजी गई, कराची डायसिस में, जहाँ से मेरा ताल्लुक है, मैं कराची डायसिस से हूँ। और एज अ नोविस भी मैं यहीं पे आई, एज अ जूनियर भी यहीं पे आई, और अभी अपने फाइनल प्रोफेशन के बाद भी मुझे यहाँ भेजा गया है। लेकिन इस दौरानिये में मैं नैरोबी केन्या में भी गई, 3 साल की स्टडीज वहाँ से की, थियोलॉजी की, और उसके बाद 1 साल रोम में जो के अपने फाइनल की प्रेपरेशन के लिए मैंने गुजारा, और अभी इन दिनों मैं दोबारा से कराची डायसिस में ही अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। इस सेंटर में? जी, इस सेंटर में। सर जी, आपसे मेरा दूसरा और अहम सवाल ये है कि आप अपनी जमायत के बारे में कुछ बताएं, जिसे हम डॉटर ऑफ सेंट पॉल्स या एफएसपी के नाम से जानते हैं। साहिद भाई, हमारी जमायत की इब्तदा जो होती है वो 1915 से होती है, और हम 10 जमायतों में से दूसरे नंबर पे हैं जिन्हें हमारे बानी मुबारक जेम्स अलबरियो ने अंजील के फरोग के लिए हमारी इब्तदा करते हैं या हमारी जमायत का आगाज करते हैं। हमसे पहले हमारे भाई सोसाइटी ऑफ सेंट पॉल 1914 में उनकी जमायत का आगाज होता है। हम दोनों जमायतों का मिशन सेम है, और ये मिशन इसलिए हमें सौंपा गया है ताकि हम अंजील का प्रचार मुकद्दस पौलुस के से जज्बे से करें, ज़राए अब्लाग के जरिए से, जैसे मुकद्दस पौलुस रसूल अपने खतूत के जरिए से अपनी खिदमत अंजाम देते रहे, हम भी प्रिंट मीडिया के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपनी खिदमत अंजाम देते हैं दुनिया के 53 ममालिक में। जी, आपसे मेरा अहम सवाल ये है कि मेरा भी ताल्लुक आर्च डायसेस ऑफ कराची से है, और बचपन ही से मैं सुनता आ रहा हूँ कि इस इदारे को ब्लू हेवन कहते हैं, मगर
ऐसा नहीं है, ब्लू हेवन इस बिल्डिंग का नाम है और बच्चे बच्चे की जुबान पे तो चढ़ा हुआ है कि ब्लू हेवन मगर इस बिल्डिंग का नाम ब्लू हेवन है और इस इदारे का नाम पोलाइन कम्युनिकेशन सेंटर है। तो आप प्लीज ब्राय मेहरबानी अवाम को पोलाइन कम्युनिकेशन सेंटर के पस मंजर के बारे में ही बताएं। जाहिद भाई, हमें जो पहला दावतनामा इस माफ कार्डिनल जोसेफ कडेरो के जरिए मिलता है वो 1958 में मिलता है, जब वो फिलिपाइन में सिस्टर्स के साथ मीटिंग में जाते हैं, लेकिन उस पर हम ज़्यादा गौर नहीं करते, ये हिस्ट्री हमें बताती है। उसके बाद कार्डिनल जोसेफ कडेरो जब मजलिस सेकेंड वेटिकन काउंसिल में जाते हैं तो वहाँ पे दोबारा से 1963 में ये अपना ये दावतनामा हमें देते हैं, जिसपे मदर टेक्ला मेलो जो हमारी मदर जनरल हैं वो गौर करती हैं और दूसरी सिस्टर को जो माइस्त्रा है या मदर है अनेजिया बाला, उन्हें कहती हैं कि इस दावतनामे पे गौर व गौर किया जाए, क्योंकि वो अपनी सेहत की वजह से खुद इस पे रद्द अमल नहीं दिखा सकती। तब ये हमारा जो पाकिस्तान में आने का अमल है शुरू होता है और हम 1965 में यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान में, अपनी सिस्टर्स को भेजा जाता है, हमारी तीन सिस्टर्स यहाँ पाकिस्तान में आती हैं, जहाँ पे हमें कार्डिनल जोसेफ कडेरो और डॉक्टर रानी सलीब की सिस्टर्स पुरजोश वेलकम करते हैं। डॉक्टर रानी सलीब की सिस्टर्स हमें अपने कॉन्वेंट में भी वेलकम करते हैं और हमें रहने की जगह भी देती हैं, लेकिन यहाँ पे हम 100 किराया भी देते हैं मंथली, जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1965 में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। और उसके बाद हमारे बुक सेंटर का आगाज बकायदा जो होता है वो 30 जून 1966 में होता है, तकद्दस मा आप कार्डिनल जोसेफ के दस्ते मुबारक से। सिस्टर जी, आपसे मेरा एक और अहम सवाल ये है कि जराए अब्लाग बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आपकी इस जमायत का मिशन और इसका काम ही यही है कि आप जो है वो पोलाइन कम्युनिकेशन सेंटर जो है वो पूरी दुनिया में जराए अब्लाग के जरिए अंजील की बिशारत देता है। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि हर बपतिस्मा याफ्ता फितरती तौर पर जो है वो एक मिशनरी है और उन्हें कहता है कि जाओ और सारी खलकत को जाके अंजील की मुनादी करो। इस अंजील की मुनादी में सबसे अहम किरदार आपका और आपकी जमायत का है, तो ब्राय मेहरबानी हमें ये बताएं कि हम इज़राए अब्लाग के जरिए किस तरह से हम खुदावन के इस मिशन को फैलाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जी, मैं खास तौर पे आपसे तमाम खानदानों से, जबकि हम खानदानों का महीना मना रहे हैं, पाक खानदान का महीना मना रहे हैं, तमाम यूथ से और तमाम असातिज़ा से, कैटेकिस से ये इल्तमास भी करना चाहती हूँ और उन सबको ये दावत भी देना चाहती हूँ कि हमारे साथ मिलके अंजील का प्रचार करें, कैटेकिज्म के जरिए से अपनी जिंदगियों का हिस्सा हमारे मिशन में डालने से, और जब हमें कभी किसी आपके तावुन की ज़रूरत होती है तो हमारी मदद कीजिए, ताकि हम अपने मिशन को आपके मदद के ज़रिए से जारी और सारी रख सकें। और आज तमाम यूथ को, गर्ल्स और बॉयज़ को ख़ास तौर पे दावतनामा देना चाहती हूँ कि अपने ज़िंदगियों के नजराने खुदावन की खिदमत के लिए दीजिए, ख़ास तौर पे अंजील के प्रचार के लिए मीडिया के ज़रिए से, ज़राए अब्लाग के ज़रिए से, ताकि हमारा मिशन जारी और सारी रह सके और हम जदीद टेक्नोलॉजी के साथ खुदा का नाम का प्रचार कर सकें। तो जिस तरह सिस्टर जी ने कहा कि हम ज़राए अब्लाग के ज़रिए जो है कलाम को फैलाते हैं, इंजील की बुनियादी करते हैं, तो मैं आपसे सिस्टर जी के जिस तरह से रिक्वेस्ट की, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कैटेगिज्म के टीचर्स, बच्चे, जितने भी कैटेगिज्म के आर्चडायसेस ऑफ कराची के जो टीचर्स हैं, ब्राय मेहरबानी खुद भी विजिट करें इस कम्युनिकेशन सेंटर में और बच्चों को भी लाएं। बहुत सारा मवाद मिलेगा यहाँ पर मुकद्दसीन की जिंदगियों से, कलाम मुकद्दस से, वो ले जाएं
और बच्चों में मुंतकिल करे, एक दीप के साथ दूसरा दीप चलाए। इस तरह मैं यूथ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे नौजवान जो कि एक सरमाया है हमारी कौम का, अपने आप को जो है वो जाने, अपनी कदरें जाने, कलाम को पहन ले, यीशु को पहचाने। यहाँ वो चीजें मौजूद है कि किस तरह हमने यीशु को पहचानना है। यहाँ आए, विजिट करें और इन चीजों को अपनाएं और अपने साथ ले जाएं और दूसरों में अंजील की बिशारत दे। और मैं चाहूंगा सिस्टर जी, हमारी नौजवान बहनों को आप खुद जो है ये दावत दे कि वो आपकी खिदमत का हिस्सा बने। मेरी तमाम नौजवान बहनों को जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, दावत है कि आए हम दुख तराने पौलुस की जिंदगी को देखें, जांचें, परखें, हमारे साथ रहें, अपने आप को इस खिदमत के लिए या अंजीर के प्रचार के लिए सराया ब्लॉक के जरिए से पेश करें। सिस्टर जी, एक बार फिर अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपका और आपके इस कम्युनिकेशन का आपकी टीम के शुक्रगुजार है कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया ताकि हम यहाँ आए और बहुत सारी चीजें सीखे और दूसरों तक भी पहुँचाने का वसीला बने। और इस मिशन में हम आपके साथ हैं। खुदा आपको इस मिशन में साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए और आप हमेशा दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें मसीह खुदा उनके वसीले से। नाज़रीन, हम मौके और वक्त से फायदा उठाते हैं और जो है वो जब हमने ये देखा मदर टैगला मरलो के इस बैनर को और वो भी बैनर अवेजा है उसे भी देखा, तो हमारे दिल में जस्तजू आई कि हम इनके बारे में भी जानें। और इसके हवाले से जो है हमने गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, निहायत ही काबिल एहतराम रेवरेंड सिस्टर नाजिया सलामत एसएसपी से उनसे रिक्वेस्ट की है कि सिस्टर निहायत ही काबिल एहतराम मदर टैगला मरलो इनके हवाले से हमें कुछ बताएं। थैंक यू जाहिद भाई, आपके इस वक्त के लिए जो आपने हमें दिया उसके हम शुक्र गुजार हैं। और ये साल हमारे लिए बहुत ही बरकतों वाला साल है क्योंकि इस साल हम अपनी मदर टैगला का की 60वीं डेथ एनिवर्सरी मना रहे हैं और इनको इनके कामों को इनको हम आम कर रहे हैं ताकि इनके इनकी ज़िंदगी के बारे में लोग जान सकें, इनके बारे में जान सकें। तो मदर टैगला जो है वो हमारी जमायत की मावन बानियाँ हैं और ये 1894 में इटली के एक शहर में पैदा हुई और फादर जेम्स अल्बरियोने के साथ मिलकर इन्होंने अंजील की प्रचार का बेड़ा उठाया। जिस तरह हम जानते हैं कि हर जिंदगी के कुछ पहलू होते हैं, कुछ असूल ज़वाबत और नसबुल ऐन होते हैं, हम मदर टैगला की जिंदगी से के चंद पहलुओं पर गौर करेंगे जो वो करीबी से जिनका उन्होंने तजर्बा किया और वो चाहती थी कि हर दुख तराने पालूस की जो सिस्टर है या बेटी है उसकी जिंदगी का हिस्सा बने। सबसे पहले जो खूबी थी या उनकी जिंदगी का पहलू वो दुआया जिंदगी थी। वो बहुत ही दुआया थी और यीशु इलाही उस्ताद के साथ उनका गहरा ताल्लुक था और वो कहती थी कि दुआ में हमेशा हमें मुस्तकिल रहना चाहिए और यीशु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए और यही हमारी ताकत है और इसी के जरिए हम यीशु का प्रचार अपने जान फिशानी से कर सकते हैं। दूसरा पहलू रसालत का पहलू है जो कि हम हर रहबाना जिंदगी का जो मकसद और नसबुल ऐन है कि हम अंजील की बिशारत देते हैं अपनी जिंदगियों के जरिए। मुकद्दस पौलुस रसूल हमारी जमायत के मुरब्बी हैं और वो कहते हैं कि मुझ पर अफसोस अगर मैं अंजील की मुनादी ना करूं। और इसका जो इस इन अल्फाज को हम मुकद्दस मदर टैगला की जिंदगी में बखूबी देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी से चाहती थी कि हर काम में वो यीशु का प्रचार करें और रसालत को आम करें और वो हर काम में हमेशा इस जज्बे को लेकर आगे बढ़ती रहीं। मुकद्दस पौलुस रसूल के नक्शे कदम पर चलते हुए यीशु की अंजील का
प्रचार करती रहीं। और वो कहती थी कि मेरे पास अगर हजारों जिंदगियां होती तो मैं ज़राए अबलाग के ज़रिए यीशु के कलाम का प्रचार करती। तीसरा पहलू गरीबी है, जो कि हम हर राहबाना जिंदगी में और हर सिस्टर जो है, हर जमायत की सिस्टर जो है, एक वादा लेती हैं जो गरीबी का वादा है। और गरीबी से ये मतलब नहीं कि रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं उनसे महरूमी, बल्कि गरीबी का मतलब है कि कुली तौर पर खुदावंद को पेश करना और कुली तौर पर उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हुए अपनी ख्वाहिशों को पीछे रखकर उसके नाम को आम करने के लिए अपने आप को वक्फ करना। और मदर टेकला ने हमेशा ऐसा किया और आखिरी दम तक वो यीशु की वफादार रही। चौथा और जो सबसे अहम पहलू है वो है हिकमत या इल्म है। और वो कहती थी कि हमें हर चीज़ से सीखना चाहिए। इल्म सिर्फ डिग्री हासिल करने से हासिल नहीं होता, बल्कि हर छोटे छोटे तजर्बे से हम सीखते हैं और उसकी मोहब्बत में बढ़ते हैं। आजकल के दौर की जो सबसे अहम ज़रूरत है वो है ज़राए अबलाग के बगैर हम कुछ नहीं हैं। हर दिल जो है वो मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके साथ ताल्लुक रखते हैं। और हम दुख्तराने पालूस के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम नौजवानों को दावत देते हैं कि आए मदर टेकला जैसी खूबियों को अपनाएं और उसकी आदात को अपनाते हुए हम यीशु के वफादार शागिर्द बने, उसके गवाह बने और अपनी जिंदगियों से उसका प्रचार करें। मदर टेकला हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि वो हमारी बानियां थी, हमारी मदर जनरल थी, और वो चाहती थी कि मेरी हर बेटी जो है वो हमेशा वफादार रहे। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि उन्होंने हमें एक रहम दिल और पाकीज़ा माँ दी जो आज तक हमारे लिए दुआ करती है। हमें यकीन है कि वो आसमान से आज भी हमारे लिए बरकतें मांगती है, और इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में अपने मिशन के साथ वफादार हैं और अपनी ज़िंदगी में उनकी खूबियों को अपनाते हुए यीशु के कलाम का प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूं कि मदर टेकला जो हैं वो बहुत ही नज़दीक हैं कैनोनाइजेशन के। हम दुआ कर रहे हैं कि जल्द ही खुदावंद इन्हें मुकद्दस होने का दर्जा दे। और इनकी जो एक ताकत है, या हम कहते हैं कि इनके वसीले से हम जब भी दुआ करते हैं खानदानों के लिए जो बेटियां बच्चों से महरूम हैं, हम इनके इंटरसेशन से दुआ करते हैं, इनसे दुआ करते हैं, तो वो खुदा जो है वो उनको औलाद मुहैया करता है। तो जब भी किसी को मैं मिलती हूँ तो ये मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है कि मैं मदर टेकला की दुआ या मेडल उस ख़ानदान को ज़रूर देती हूँ। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी दुआ करें। हमारे पास ये दुआ जो है मौजूद है और हम बांटेंगे भी, अनकरीब हम चर्चिस में जाकर ये दुआ बांटेंगे ताकि मदर टेकला जो है उसको हम आम कर सकें और उनको मुकद्दस होने का दर्जा मिले, ये हम दुआ करें। देखा कि सिस्टर जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वही दुआ जो कि बे औलाद जोड़े हैं, आप उनके लिए ये दुआ अभी यहाँ पढ़े। और एक और पैगाम साथ साथ देना चाहता हूँ, जो बे औलाद जोड़े हैं ब्राय मेहरबानी इस सेंटर में विजिट करें और सिस्टर नाजिया को जो है अपना नाम भी लिखवाएं और ये प्रेयर भी यहाँ से लेके जाएं ताकि खुदा उन पर रहम करे और उन्हें औलाद जैसी नेमत अता करे। मेरे लिए एक सुनहरी मौका है कि मैं ये दुआ आप सब के लिए पढ़ूंगी जो अभी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खासतौर पर वो जोड़े जो बे औलाद हैं और खुदावंद से बरकत मांगते हैं या चाहते हैं कि उनको औलाद जैसा तोहफा मिले। तो आज हमारी आप सब के लिए ये दुआ है। बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ पाक तरीन तसलीस, बाप और बेटे और रूह कुदस, हम तेरी तमजीद करते हैं और तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने अपनी हलीम, वफादार और ताबेदार खादमा
मदर टेकला मेरलो को इस दुनिया में पैदा करके उसकी निजात का इंतजाम किया और उसे पाक करके दुख्तराने पालूस की मामन बानिया और पहली मदर जनरल होने का मर्तबा अता किया, जिसने समाजी मौसलात के जराए से अंजीली बिशारत को फरोग दिया। ऐ बाप, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि जिस तरह तूने उसे आसमान पर अजमत बख्शी है, उसी तरह तू उसे जमीन पर भी जलाल दे और उसकी शफायत के वसीला से हमें वो फजाइल अता कर जिनके लिए हम तुझसे आजिजी के साथ इल्तजा करते हैं। ऐ मुकद्दसा मरियम, हमारी माँ और तमाम रसूलों की मलका, तू अपनी मादराना सिफारिश से हमारी हमायत कर। आमीन। सलाम ऐ मरियम, फुरफजल खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगार के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, बरहमी शौगा। मदर टेकला, प्रे फॉर अस। और बेटे रूह कुदस के नाम से, आमीन। नासिर, देखा कि आज हमने मदर टेकला मरलो के हवाले से बहुत चीजें सीखी, जानी, और इस साल 2024 में हम जो है उनकी 60वीं डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं और इसके तुफैल खुदावन हमें बरकात से मालामाल करता है। सो सिस्टर जी, एक बार फिर आपका और आपकी जमायत का मशकूर हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, अब इजाजत दीजिएगा, हमेशा की तरह साथ रहिएगा। लिफ अदर्स में खुदा हाफिज़।